अस्सलाम वालेकुम जी, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक ठाक फिट पाट होंगे। आज आप लोगों के साथ, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी कि आप लोगों के साथ हांडी बेस जो कि कुछ इस तरह से दिखती है, इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू करने वाली हूँ। ये कब्जी कैसे रहती है, कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे अगर आप लोगों ने मुझे स्नैक वीडियो और इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है तो। ठीक है जी, तो अगर नहीं भी किया तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको मेरे दोनों लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप लोग मुझे जल्दी से फॉलो करें वहाँ पर। तो अब आप लोगों के साथ ये जो मैं हांडी बेस है इसका तरीका बताती हूँ आप लोगों को। फर्स्ट तो आप लोग सब जानते होंगे कि हाँ, बेस कोई भी बेस हो, नॉट अदर, ये इसके अलावा कोई भी, मतलब कोई भी आप अगर बेस यूज़ करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं बेस अप्लाई करने से पहले। फर्स्ट में आप लोगों को अपना फेस वॉश करना होता है। फेस वॉश करने के बाद आपको क्लेंजिंग करनी होती है। उसके बाद आप लोगों को कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है। देन आपको कोई भी अगर सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो वो करेंगे, अदरवाइज़ आप कोई भी प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर यूज़ करने के बाद जब आपका फेस बिल्कुल मतलब कि प्राइमर यूज़ करने के फ़ौरन बाद बेस नहीं लगानी, 4 से 5 मिनट वेट करना है, आपकी स्किन पर सेटल हो जाए, देन आपने बेस यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा स्टेप, लेकिन मैं आपको ये सब कुछ अप्लाई किए बगैर अपने हाथ पर बेस की कवरेज आपको शो करवाऊंगी और बताऊंगी किस कॉम्बिनेशन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं और मैं कौन सी शेड यूज़ कर रही हूँ, और इसके प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगी और कहाँ से बाय की है ये भी बताऊंगी। तो ये देखें जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखें ये कितनी सी रह चुकी है, ये देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी सारा ये यूज़ की है, मुझे अच्छी लगी है। काफ़ी स्टिक्स और अदर बेस यूज़ करने के बजाय अगर आप लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे ये मैं आपको अभी अपने हाथ पर शो करके दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के पास, आप लोग बिल्कुल बिगनर्स हैं, आप लोगों के पास बाकी प्रोडक्ट्स नहीं हैं जो बेस को अप्लाई करने से पहले लगानी होती हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली फेस वॉश करने के बाद फेस टोनर अप्लाई करें अपने फेस पर, कोई भी आप यूज़ करते हैं। प्राइमर यूज़ कीजिए, और अगर प्राइमर नहीं है तो आप लोगों ने मॉइस्चराइज़र लाजमी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका फेस जब थोड़ा सा बिल्कुल सेटल डाउन हो जाएगा देन आपने बेस यूज़ करनी है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है, फेस वॉश करने के बाद आप ये ले सकते हैं एलोवेरा जेल, जेल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का भी लेके आप घर में जेल बनाकर उसको भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अब बेस मैं आपको डायरेक्टली कुछ बताऊँगी कि बगैर किसी चीज़ के कितनी अच्छी कवरेज देती है, कितनी अच्छी सेटल्ड हो जाती है, तो मैं आप लोगों को ये शो करवाना चाहती हूँ। अगर मैं प्राइमर वगैरह यूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली बेस बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी, तो मैं बगैर किसी चीज़ के आपको लगा के दिखाऊंगी और बगैर वीडियो कट किए। तो एक स्पंज लिया है मैंने, आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, इसको पानी में डिप करना है। कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर है आपने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, वरना उससे आपकी बेस जो होती है वो अच्छी बिल्कुल नहीं बनती और आपकी बेस ख़राब हो जाती है, या तो पैची हो जाती है, बहुत केकी हो जाती है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर आपका ये जो फाउंडेशन लगाने के लिए या बेस लगाने के लिए जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होता है वो बहुत ज़्यादा आपकी बेस को, आपके फाउंडेशन को पी जाता है, क्योंकि वो पहले से ठीक नहीं होता है। ठीक है नाउ, तो ये देखिए मैंने 1 से 2 मिनट से डिप किया है, ये अच्छे से अपने फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसका पानी जो एक्स्ट्रा जितना भी है वो रिमूव कर दूँगी, इसमें से निकाल दूँगी। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है, अच्छी तरह से पानी निकाल देना, पानी को मैं साइड पर कर रही हूँ ताकि यहाँ पर गिरे ना, मैस क्रिएट ना हो। ठीक है, तो अब ये स्पंज लिया मैंने, अब इसके अंदर क्योंकि ऑब्वियसली मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो ये देखिए मैंने इतनी सी क्वान्टिटी ली है इसकी, अब इसको मैं अपने हाथों पर लगाऊँगी। ठीक है, इस हाथ पर मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इधर मेहंदी लगी हुई है जो बिल्कुल ठीक से रिमूव नहीं हुई, तो ये जल्दी से मैं आपको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ कि ये कैसा है, और ये शेड में कौन सी यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। ठीक है, आधे हाथ पर ब्लेंड करने का रीज़न ये है कि आप लोगों को अच्छे से रिजल्ट शो हो जाएँ, डिफरेंस दिखा दूँगी ना आप लोगों को, और साथ में मैं कौन सा फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोग इस बेस के रिजल्ट्स देख लीजिए। नाउ ये देखें आप लोग, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो गई है, बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो गई है, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आए हैं। तो ये देखें, ये डिफरेंस चेक कीजिए। आपने कोई भी कभी भी कोई भी बेस यूज़ करनी है तो आपने अपनी शेड से एक स्टेप लाइटर लेनी है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आपकी स्किन पर आप फेस पे से अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली फेस पे करनी है अप्लाई आप लोगों ने, फेस पे, नेक पे, तो अगर आप लोगों की कोई भी डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है तो आपने कंसीलर लाजमी यूज़ करना है बेस अप्लाई करने से पहले, प्राइमर अप्लाई करने के बाद और बेस अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ, ये डिफरेंस आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी सी कवरेज है, ये विदाउट फेस पाउडर है। ठीक है, फेस पाउडर मैं आप लोगों के साथ कौन सा शेयर करने वाली हूँ वो ये वाला है, फेयर एंड लवली का जो न्यू आया। इससे पहले मैं लॉरियल का यूज़ कर रही थी जो कि इसकी भी बहुत अच्छी कवरेज थी, इसको मैंने कितनी अच्छी तरह से फिनिश कर दिया, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इन्हें ख़त्म किया है। देन मैंने ये बाई किया है और इसको यूज़ किया, सोचा मैंने आप लोगों के साथ कि इसके भी रिजल्ट्स में शो करवा दूँ आप लोगों को, अगर आप बाई करने वाले हैं तो रीज़नेबल प्राइसेज में आप ले सकते हैं। ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी, आप किसी भी ब्रांड से भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन द्रास से भी आपको मिल जाएगी। तो ये F1 शेड है और ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब ये लिया मैंने। ठीक है, और इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसका बता देती हूँ, ये भी मैंने 300 के करीब लिया है, 350 का कह रहे थे बट मैंने लोकल शॉप से लिया तो क्योंकि जानने वाले हैं तो उन्होंने हमें 300 का दिया,
और ये इसके अंदर भी टू शेड्स हैं, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये देखिए ठीक है, इसके अंदर दो शेड्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, अपनी स्किन टोन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसमें भी डिफरेंट स्किन टोन की शेड्स मौजूद हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग ये F1 ही यूज़ करें, आप इसके अलावा भी कोई कर सकते हैं, आपकी स्किन जिस तरह से भी है आप उस अकॉर्डिंग। बट मैंने ये F1 जो शेड है ना, ये मैंने अपने से लाइट स्किन पर भी अप्लाई करके देखी है तो मुझे अच्छी लगी है, मतलब उसके भी अच्छी कवरेज दी है। अगर आपको सेट करनी आती है बेस तो ये आप दोनों स्किन टोन पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस लगाने के साथ साथ आप लोगों को जो भी कोई कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हैं, फेस पाउडर यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी आपकी बेस पर असर करती है कि आपकी बेस कैसे सेट रहेगी दोनों कॉम्बिनेशन पर, ठीक है। तो फेस पाउडर आप सेम बेस यूज़ करते हुए कौन से दो आप लोग शेड्स यूज़ कर सकते हैं, अगर स्किन लाइटर है तो आपने ऊपर वाला या नीचे वाला यूज़ करना है, ब्राइटर है तो कौन सा आपने यूज़ करना है, ठीक है, ये आप लोगों ने ध्यान करना है। इससे आपकी बेस बिल्कुल भी अगर आपके स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रही ना तो वो फिर भी अच्छे से सेटल डाउन होगी और ओवर जो केकी सा नहीं करेगी, ओवर आपको चिट्टा जो होता है ना लगने वाला शेड वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया, अब मैं इसके ऊपर हल्का सा फेस पाउडर यूज़ करूँगी, तो मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो किसी दूसरे से भी यूज़ कर सकते हैं, ये सेकंड शेड यूज़ करूँगी मैं, ठीक है। तो ये देखिए दरअसल मैं राइट साइड पे कर रही हूँ ना, राइट हैंड पर, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है ये फेस पाउडर भी, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा लगता है आपकी स्किन को सेट करने के लिए थोड़ा सा यूज़ होता है। और ये देखिए ये ना बिल्कुल कॉम्पैक्स की तरह है और ये ऊपर वाला तो बहुत ज़्यादा शाइनी भी है। अगर आप लोग ग्लिटर वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते या आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो बेस हो वो ज़रा शाइनी सी दिखे तो आप लोग ये फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो ये आपको आपका फंक्शन ईजिली, आप अगर आप डेली रूटीन में भी जाती हैं ना, ऑफिस जाती हैं, आप ऑफिस गोइंग हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, आप लोग बीबी क्रीम यूज़ नहीं करते तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट है, आपकी स्किन पर ऑयल नहीं आएगा, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ये कवरेज देती है। और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छे ब्रांड का यूज़ करें तो आप वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप रीजनेबल प्राइसेस में लेना चाहते हैं तो आपको ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने बता दिए हैं, आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई भी एक्ने, पिंपल, आपकी स्किन ड्राई ऐसे काम नहीं होते, अगर आप लोग अपनी स्किन डाइट को बहुत अच्छे से ले रहे हैं, अपनी स्किन के बारे में कॉन्शियस हैं, फेस डेली वॉश करते हैं, मेकअप करके सोते नहीं हैं, और इसके अलावा और भी जितने भी होते हैं आप लोग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया इसके बारे में। इसका फीडबैक आपने लाजमी देना है, आपको कैसी लगी है ये बेस, इसका रिव्यू कैसा लगा, आप लोगों को फेस पाउडर का रिव्यू कैसा लगा है, आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे लाजमी फॉलो करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।